हेलो अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप पीटी, दिस इज स्पेस किंग द गेमर हियर। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको अभी बताएंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था गाइस, एक न्यू कार्ड आने वाला है। तो एक कार्ड कौन सा कार्ड है गाइस, वो बताएंगे आपको। देन गाइस, 1.3 का मेसी और जो शू परचेस में से करे थे गाइस बहुत सारे लोग, जो शू का सेलिब्रेशन था भाई, उनका क्या होगा गाइस। चलिए गाइस, अभी तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है गाइस मुझे, क्योंकि हमने गेम में अभी तक एक रुपया नहीं लगाया गया। जो जो भी लगाए उनकी लगने वाली है वाट भाई, संभाल के देखो वीडियो, हार्ट अटैक ना जाए आपको। तो वीडियो को अच्छे से देखिए गाइस, अभी भी मुझे हंसी आ रही है भाई, क्या करूँ गाइस, भाई क्या करूँ। 1.3 का मेसी, जो शू का सेलिब्रेशन था, जो वो तो पैसे लगा के लिए गाइस, मेसी रैशफोर्ड रोनाल्डो को जो थीम आई थी, उनका क्या होगा भाई, क्या करोगे अब। तो वीडियो आराम से देखना एकदम। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, अभी पूरा वीडियो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे गाइस। न्यू फीचर्स, देन मेसी का रिप्लेसमेंट, और गाइस देन आपको उसी के साथ जो न्यू कार्ड आया वो बताएंगे। तो वीडियो करिए लाइक, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट हम यहाँ पर आपको नए नए चीजें जो आने वाली है गेम में वो बताते हैं आपको। गाइस फर्स्ट देखने को मिलेगा मैच अथेंटिक्स एक है रहेगा गाइस इवेंट्स में। देन गाइस उसी के साथ गाइस आपको क्रॉस जेन मैचेस का मतलब गाइस, आप अगर आप PS4 के हैं तो आपको कंसोल के साथ खेल सकते हैं, या मोबाइल के है एंड्रॉयड के है तो गाइस आप iOS के साथ खेल सकते हैं। इसको क्रॉस जेन मैचेस बोलते हैं। क्रिएटिव टीम क्रिएटिव आपको मिलेगा पहले की तरह, जो हम नॉर्मल अपनी टीम देखते हैं पूरी 97 टीम स्ट्रेंथ कुछ इस तरह का रहता है वो। देन मैच पासेस, ये मैच पास पूरा उसका डिटेल आ चुका है अभी, नहीं 2 सेकंड रुके गए। उसके बाद वेरेंटस बोनस, फिर से गाइस वेटरन बोनस एक आ चुका है। मैच पास सिस्टम, वेटरन बोनस ये अलग रहे, ये फुटबॉल 2022 फॉर मोबाइल डिवाइसेस। जी हाँ, मोबाइल डिवाइसेस भी कौन से सपोर्ट करेंगे वो भी है। तो मेन फीचर्स की बात करते हैं, फिर से बार्सिलोना आपको देखने को मिलेगा गाइस, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जुवेंटस और बयान। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लास्ट वीडियो में गाइस अलग टॉपिक थी, ये वीडियो में अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आप इवेंट्स में गाइस आपको मैच पास सिस्टम देखने को मिलेगा गाइस। मैच पास में आपको क्या होगा गाइस, मैच पास बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पर वीडियो दिखा रहा हूँ वो वीडियो पूरा देखिए। मैच पास कैसा होगा गाइस, मैच पास सेम फ्री फायर की तरह इलाइट पास रहता है उसी तरह रहेगा गाइस। सीजन 1 मैच पास के सीजन अलग अलग आएंगे, एक सीजन रहेगा मिनिमम 15 डेज का, एक सीजन रहेगा मिनिमम 15 डेज। उसके बाद मैच पास में आपको खेलने पर गाइस थोड़े इधर अनलॉक होंगे, उधर परचेस करना पड़ेगा, लेकिन परचेस करने से एक डर है कि कोनामी फिर से ना नेक्स्ट ईयर निकाल दे परचेस के आइटम। तो मैच पास सिस्टम गाइस आपको ऐसा होने वाला है, यहाँ पर देखिए गाइस, ये है मैच पास सिस्टम, यहाँ पर आपको फ्री है, यहाँ पर परचेस है कि ये खेलने पर मिलेंगे, थोड़ा परचेस करना पड़ेगा। ये सीजन वाइज रहेगा, जैसे फ्री फायर में गोल्ड हम सीजन रहते गाइस, कौन से सीजन में कौन सा रैंक में था भाई आप पूछते हैं, तो वैसा रहेगा गाइस। देन गाइस ऑब्जेक्टिव, प्रीमियम ऑब्जेक्टिव्स अलग है गाइस, प्रीमियम ऑब्जेक्टिव्स है, ये भी मैच पास के अंदर ही आते हैं गाइस। थोड़े ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वीकली ऑब्जेक्टिव्स, थोड़े एक दिन का ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है गाइस। देन चैलेंजेस का मतलब चैलेंजेस है, उसके बाद वीकली ऑब्जेक्टिव्स मतलब हफ्ते का इवेंट आएगा। उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स मतलब नॉर्मल आपको पता है अलग अलग जो स्पेशल रहते हैं वो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में आपको देखने को मिलेंगे। ई फुटबॉल में गाइस आपको आप कॉइन से कौन से चीज़ें साइन कर सकते हैं, ये भी कोनामी ने कंफर्म कर दिया। अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं था कॉइन में, आपको कभी GAB लेजेंड बॉक्स आता था, कभी आइकॉनिक बॉक्स आता था, लेकिन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है ई फुटबॉल कॉइन्स, अभी माइक्लब कॉइन्स नहीं, ई फुटबॉल कॉइन्स। इससे गाइस इन गेम करेंसी कैन यू यूज साइन प्लेयर्स एंड परचेज आइटम मैच पासेस अमंग अदर। आप गाइस कॉइन्स से गाइस आप परचेज कर सकते हैं मैच पास, पैसे ही देने की जरूरत नहीं है, कॉइन से भी आप मैच पास परचेज कर सकते हैं गाइस। देन GP से सिर्फ प्लेयर्स परचेज कर सकते हैं, मैनेजर्स परचेज कर सकते हैं फुटबॉल 2022 में, सिर्फ प्लेयर एंड मैनेजर्स। आप वीडियो को रुका के देखिए, वहां पर दिख जाएगा आपको। देन गाइस उसी के साथ ई फुटबॉल पॉइंट से गाइस आप क्या परचेज कर सकते हैं, यू कैन रिडीम फॉर प्लेयर्स साइनिंग्स एंड आइटम्स। ई फुटबॉल पॉइंट्स में गाइस आपको फीचर प्लेयर आएंगे, जो स्पेशल न्यू कार्ड आया है वो आएंगे। देन आप आइटम्स यानी कि जर्सीज वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। आपको कॉइन से मैच पास परचेज करने का सिस्टम देखने को मिलेगा, कॉइन्स सेव करिए, कॉइन से कर सकते हैं मैच पास। देन गाइस आप उसी के साथ कर सकते हैं गाइस कॉइन्स के साथ ही, और भी गाइस GP के साथ आप बस प्लेयर मैनेजर्स परचेज कर सकते हैं। ये समझ में आ गया गाइस। देन फर्स्ट कार्ड गाइस आपको कार्ड टाइप बताते हैं। कार्ड टाइप में एक स्टैंडर्ड कार्ड हो गया, जो हमारा नॉर्मल कैरी ओवर के जैसा कार्ड रहेगा गाइस, स्टैंडर्ड कार्ड।
इसके फंक्शंस क्या है गाइस, ये आप पूरा वीडियो रुका के पढ़ लीजिए, अभी बहुत ज्यादा पढ़ा है कि स्टैंडर्ड कार्ड का क्या है गाइस, कैरी ओवर की जगह पे आपको स्टैंडर्ड कार्ड, कैरी ओवर नहीं गाइस, बेस कार्ड की जगह पे स्टैंडर्ड कार्ड देखने को मिलेगा। ये गाइस आपको और इवेंट्स कौन से रहेंगे, टूर इवेंट में देखने को मिलेगा, चैलेंज इवेंट रहेगा, क्विक मैच चैलेंज रहेगा, और गाइस आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन मैच लॉबी जो फ्री फायर टाइप रहता है गाइस, ये मैच पासेस में रहेगा ऑनलाइन मैच लॉबी। देन ई फुटबॉल क्रिएटिव लीग, ई फुटबॉल में भी आपको लीग्स भी आएंगे जो अलग अलग रहेंगे। देन वेटरन बोनस भी आपको गेम स्टार्ट होने पर मिलेगा, ये मे बी PS4 के लिए ज़्यादा अच्छा मिलेगा और हमारे लिए बहुत कम देखने को मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको प्लेयर के कार्ड दिखाता हूँ, फर्स्ट आपको स्टैंडर्ड कार्ड देखने को मिलेगा, देन गाइस आपको फीचर्ड कार्ड देखने को मिलेगा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेजेंड कार्ड रहेगा गाइस आपको, देन गाइस उसी के साथ आपको एक और कार्ड देखने को मिलेगा जो रहेगा ट्रेंडिंग कार्ड, ये नया कार्ड आया है फुटबॉल 2022 में, मे बी गाइस ये हमें स्पेशल कार्ड्स रहेंगे, सबके अलग अलग हाई रेटेड कार्ड रहेंगे, जैसा कौन सा गाइस फीफा में रहता है सेम उसी तरह इसमें कार्ड्स रहेंगे गाइस। स्टैंडर्ड कार्ड का मतलब क्या है गाइस, ट्रेंडिंग कार्ड का मतलब क्या है, बड़े कार्ड जैसा हमें आइकॉनिक कार्ड था उसी तरह का ये अलग कार्ड है, लेकिन आइकॉनिक के रिप्लेसमेंट में आपको स्टैंडर्ड कार्ड नहीं देखने को मिलेगा, आइकॉनिक के रिप्लेसमेंट में आपको लेजेंड कार्ड। अभी बात करते हैं 103 का मेसी क्या होगा, परचेस मेसी क्या होगा और दूसरे मेसी क्या होंगे, क्योंकि इनका लेजेंड कार्ड नहीं बना है यार, रोनाल्डो का, रैशफोर्ड का, किसी का लेजेंड कार्ड नहीं बना है, तो इनका क्या होगा, इनके जगह पे गाइस आपको रिप्लेसमेंट में देखने को मिलेगा मेसी रहता है गाइस, आपको मेसी का रिप्लेसमेंट 103 का कोई हाई रेटेड लेजेंड रिप्लेस करेगा, यानी कि गाइस हाई रेटेड अभी गेम में सबसे बड़ा लेजेंड कौन है, डिएगो मैराडोना, मैराडोना रिप्लेस करेगा मेसी को, और मेसी का लेजेंड कार्ड तो कोनामी नहीं बना है, अगर कोनामी में भी शायद गाइस अगर ट्रेंडिंग कार्ड के साथ कोई अगर रिप्लेस करता मजा आता, लेकिन ज्यादा लेजेंड के कार्ड के साथ ही कंफर्म है, क्योंकि ट्रेंडिंग के कार्ड के साथ तो कोई भी लेजेंड नहीं है, तो आइकॉनिक गाइस हमें आइकॉनिक का रिप्लेसमेंट लेजेंड ही मिलेगा, हाई रेटेड लेजेंड कार्ड देखने को मिला 103 का मेसी आपके पास है तो हाई रेटेड लेजेंड का कार्ड। अभी गाइस लेजेंड की कार्ड की रेटिंग मैराडोना की अभी 100 नहीं रहेगी, ये बात भी याद रखिए, 103 का मेसी है तो आपको 103 का मैराडोना देखने को मिलेगा, ये स्पेशल होगा आपके साथ, ये बात याद रखिए, 103 का मेसी आपके पास तो मैराडोना का अगर आपको कोई कार्ड देता है या वैन बास्टन का कार्ड देता है कोनामी, तो आपको वो लेजेंड की रेटिंग हाई हो जाएगी गाइस, जैसा कि मेसी आपका 103 है, राइट विंग का कार्ड है मेसी का, तो कोई आपको राइट विंग का लेजेंड देगा कोनामी, या नहीं तो मैराडोना सेकंड स्ट्राइकर है वो दे सकता है, तो उसकी रेटिंग 100 होगी। नॉर्मल कार्ड अगर हम साइन करने जाएंगे, अगर लेजेंड बॉक्स में कभी आता है तो वो नॉर्मल रेटेड रहेगा, लेकिन जब मेसी का रिप्लेसमेंट मिलेगा हाई रेटेड मिलेगा, और बॉक्स वगैरह कुछ नहीं आने वाले गाइस गेम में, ये बात भी याद रखिए, बॉक्स खत्म, बॉक्स नॉर्मल बॉक्स की तरह, ये मे बी ये लॉटरी सिस्टम भी चेंज हो जाएगा गाइस गेम का, उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, मैच पास के रिगार्डिंग है, लेकिन जीपी से कर सकते बोले तो मतलब कि जीपी से प्लेयर साइन कर सकते हैं, मतलब आएगा लोग इस बॉक्स आएगा, लेकिन वो अलग अलग बॉक्स आएंगे, लेकिन हमें मजा नहीं आएगा बॉक्स के प्लेयर से, हमें मजा आएगा मैच पास के पासेस से, देन गाइस ई फुटबॉल के प्लेयर से मजा आएगा। आई होप गाइस यहां पर आपके सारे डाउट खत्म हो गए ई फुटबॉल के रिगार्डिंग 2022 के, सब पता चल गया गाइस, मेसी का रिप्लेसमेंट 103 का मैराडोना, रेटिंग सेम रहेगी मेरे हिसाब से, लेजेंड रहेगा, लेजेंड की हाई रेटिंग करके देंगे, अगर कोनामी ये भी नहीं देता है गाइस 103 की जगह पे 99 का वैन बास्टन, 97 का वैन बास्टन, या 98 का जो नॉर्मल रेटेड है वो देता है, तो फिर गाइस समझ लीजिए लग गए आपके अच्छे से लग गए गाइस, और आपके कॉइंस गए पानी में। आई होप गाइस आपके सारे डाउट क्लैरिफाई हो गए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लास्ट वीडियो अलग टॉपिक पे था गाइस, ये वीडियो अलग टॉपिक पे है, वहाँ का गेम प्ले के डिटेल्स यहाँ पर नहीं थे, ये कार्ड्स के रिगार्डिंग अपडेट नहीं थी, तो आई होप आप सब खत्म हो गए होंगे डाउट दो वीडियो कवर करके। सो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, जितना हो सका उतना लाइक करके, मुझे चाहिए गाइस इस वीडियो पे 500 लाइक्स, तो मे बी You guys will be done. So guys, like this video, share with your friends, clarify your doubts, text me in comment box, subscribe channel, favorite and subscribe, then turn on the bell notification and see you guys in the next video. Dua mein, Allah Hafiz.